हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय चैनल नेम इज गामियाज चैनल। गाइज, आज मैं फिर से एक अमेजॉन ज्वेलरी हॉल वीडियो लेके आई हूँ। इसके पहले भी मैंने अमेजॉन ज्वेलरी हॉल वीडियो लेके आई थी और आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, तो मैंने सोचा फिर से एक अमेजॉन ज्वेलरी हॉल वीडियो लेके आती हूँ। और अगर आप जाना चाहते हो ये जो बैंगल मैंने पहन रखा है और इयरिंग, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैंने कहाँ से परचेज किया, उसकी परचेज लिंक क्या है, तो आप मेरा जो प्रीवियस अमेजॉन हॉल वीडियो है उसे आप देख सकते हो। इसके लिए आपको मेरे चैनल पर जाना होगा, गामियाज चैनल को सर्च करना होगा, उसके बाद में आपको अमेज़ॉन की जो प्लेलिस्ट है वो आपको दिख जाएगी, वहाँ पे आपको इजीली ये वाला जो वीडियो है वो मिल जाएगा। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ क्या कर रहे हो आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब तक नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दीजिएगा और उसके बाद जो मैं जो बेल आइकॉन है टर्न उसको हिट कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं कोई न्यू वीडियो लेके आऊँ तो आपके पास में उसका नोटिफिकेशन जाए और आप इजीली उसको देख सको। और आप में से बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे होंगे, तो क्या आप लोगों ने मुझे फॉलो किया है इंस्टाग्राम पे? अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ क्या कर रहे हो आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो क्या कर रहे हो आप लोग, जाइए और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिए। जो मेरी आईडी है मैं यहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसका लिंक दे दूंगी। तो विदाउट एनी लेट स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, जो मेरी फर्स्ट ज्वेलरी है वो है द ब्रांड ऑफ आराध्या। ये आप कुछ देख सकते हो इस तरीके की पैकेजिंग में आता है, जैसा कि मैंने बोला कि मैंने पहले भी ये सब ओपन कर करके ट्राई करके देख चुकी हूँ, शूट करा था मैंने वीडियो, इसके लिए मैंने ये पैकेजिंग ओपन कर दिया है, कुछ इस तरीके से है। और ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही सुंदर लग रहा था। आप इसको वेस्टर्न ड्रेस के साथ, इनफैक्ट अगर आपकी प्लेन कुर्ती है या कुछ भी आपने सॉलिड कलर का पहन रखा है उसके साथ में ये बहुत ही अच्छे तरीके से जाएगा। अब बहुत हो गई इसकी तारीफ, इसको मैं ओपन करके दिखाती हूँ। गाइज, अगर आप लोगों ने मुझे, एक्चुअली मुझे वीडियो अपलोड करने में लेट हो जाता है, तो अगर आप मेरी लाइफ के अपडेट से जुड़े रहना चाहते हो, आप जानना चाहते हो कि मेरी लाइफ में क्या कर रही हूँ, और मैं बहुत सारी रील्स वगैरह भी बना के इंस्टाग्राम पे डाल देती हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना। तो कुछ इस तरीके की मेरी फर्स्ट ज्वेलरी है। और अगर आप लोग ने पायल देखी होगी, एंकलेट्स, अगर आपको याद होगा तो कुछ इस तरीके की एंकलेट्स बहुत चलती थी, आप देख सकते हो। और ये दिखने में हैवी लग रहा है, बट ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही लाइट वेट है। इसको मैंने कैरी किया था, इनफैक्ट आप, मैं इसको यहाँ पे भी डबल लेयर करके ऐसे कैरी कर सकती हूँ कुछ इस तरीके से, बहुत सुंदर लग रहा है। सॉलिड के साथ में तो बहुत ही अच्छा लगेगा और ब्लैक के साथ में तो सोने पे सुहागा जाएगा। और इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, यू कैन सी, आप देख सकते हो यहाँ पे, तो कोई भी आपको इसके साथ में फाउंडेशन नहीं है कि आपको सेम टू सेम यही कलर के साथ में मैचिंग करना है, कंट्रास्ट में भी बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये बैंगल भी बहुत अच्छी लग रही है। एक्चुअली इसके साथ में पूरा दोनों हैंड का सेट आया था, बट मैंने यहाँ पे ऐसे कस्टमाइज करके पहना हुआ है, इस तरीके से। और ये है बहुत छन 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 की आवाज़ आती, बहुत ही सुंदर है गाइज। ये मेरी फर्स्ट ज्वेलरी, और इसका जो प्राइस है वो मुझे याद नहीं है, तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी। इसमें साइड में ऐसे कुछ इस तरीके की चैन मिल जाती है आपको यहाँ पे, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको छोटा या बड़ा करके पहन सकते हो, आप देख सकते हो। ये मेरी फर्स्ट ज्वेलरी। सेकेंड ज्वेलरी जो गाइस है वो, जैसा कि मैंने सब पहन के ट्राई कर चुकी हूँ गाइस, इसके लिए ये सारी पैकेजिंग जो है वो ओपन हो चुकी है, आप देख सकते हो। और सेकेंड जो मेरी ज्वेलरी है वो कुछ इस तरीके के बॉक्स में आ जाती है। बॉक्स में जो पैकेजिंग वाइज तो मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। अब लेट्स सी, देखते हैं अंदर का इसका जो मटेरियल है या जो ज्वेलरी है वो कैसी है। तो इसकी जो प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस जो है वो गाइस इसकी 2967, यानी कि अप्रॉक्समेटली आपको 3000 की मिलेगी, जो कि अगर आपको MRP पे लेना हो तो बिल्कुल भी मैं एग्री नहीं करूँगी लेने के लिए, बट ये मुझे डिस्काउंट प्राइस में मिला है तो यू कैन गो इट। और इसकी अगेन मुझे प्राइस, किसी भी ज्वेलरी की मुझे प्राइस याद नहीं है, तो मैं यहाँ स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, आप देख सकते हो। और इसका जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। जो ज्वेलरी है वो बहुत ही अच्छी होती है, इनफैक्ट मैंने पहले भी ट्राई करी है जवेरी पर्ल्स की ज्वेलरी, और बहुत ही अच्छी है, गोल्ड एंड ग्रीन कलर की है। अगेन आप इसको लहंगे साड़ी किसी के भी साथ में सॉलिड कलर के साथ में बहुत ही अच्छे तरीके से जाएगी। इनफैक्ट अभी जो है वो गाइस वो ग्रीन कलर की ज्वेलरी बहुत ही ज़्यादा इन है, तो आप इजीली इसको अपने लहंगे के साथ में या फिर साड़ी के साथ में कैरी कर सकते हो। अगर आपका जो लहंगा या साड़ी है बहुत ही लाइट वेट, इनफैक्ट कुर्ती भी अगर आप कैरी करो बहुत ही लाइट वेट है,
तो आप इजीली इसको पहन सकते स्टाइल कर सकते हो कुछ इस तरीके के बॉक्स में। और ये पैकेजिंग वाइज मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ। बहुत ही सुंदर नेक पीस है गाइस, बहुत ही, और ये बहुत ही ज़्यादा रिच लुक है इसका, आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा रिच लुक है। यहाँ पे साइड में स्टोन्स लगे हुए हैं एंड ग्रीन कलर का है, छोटे छोटे फ्लावर्स बने हुए हैं जो इसका जो डिज़ाइन है उसको बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर। और ये जो बीट्स है उसकी भी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। अगेन प्राइस मुझे याद नहीं है, जो भी प्राइस होगी मैं यहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी। और बहुत बहुत ही सुंदर, अगेन इसमें डोरी है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, जितनी भी लेंथ में आपको चाहिए आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, बहुत ही सुंदर है। और जैसा कि ये जो नेकलेस है बहुत ही ज़्यादा हैवी है गाइस, तो इसका जो इयररिंग है वो बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट दिया गया है, बहुत ही स्मॉल है। अगेन अगर आपने नेक पीस जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी पहन रखा है तो जो अपना इयररिंग है उसको लाइट वेट रखिए, तो इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही अच्छा लगता है, वो आपको बहुत भरा भरा सा, बहुत हैवी हैवी सा फील नहीं कराता है। अदरवाइज़ जो बहुत हैवी हम इयररिंग्स भी बहुत हैवी पहन ले, गले में भी बहुत हैवी पहन ले और उसके बाद हमारा जो ड्रेस है वो भी हम ड्रेसअप बहुत अच्छे से हैवी मेकअप कर ले तो वो आँखों में ना इरीटेशन सी होने लगती है। इसके लिए जो ज्वेलरी या जो भी हमारा कॉस्ट्यूम है या मेकअप है उसको हमें सटल रखना होता है जिससे कि वो सोवर लगे, एलिगेंट सा लगे और अच्छा लगे। तो इसीलिए जो उस जो नेकलेस है उसकी जो इयररिंग है वो बहुत ही स्मॉल छोटी छोटी स्टड इयररिंग बहुत अच्छी लगती है। इनफैक्ट नेकलेस के साथ में आजकल जो स्टड इयररिंग है वो बहुत ही ज़्यादा, यू कैन सी, बहुत ही सुंदर है। फ्लावर बने हुए हैं जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। नेक्स्ट जो मेरी ज्वेलरी जावेरी पर्ल्स की आप देख सकते हो, और इसकी जो MRP है वो है 3160 रुपीज़, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली आपको 3200 रुपए की ये जो ज्वेलरी है वो पड़ रही है, जो कि MRP पे अगर आपको बोला जाए परचेस करने के लिए तो बिल्कुल भी परचेस करने लायक नहीं है, बट हाँ अगर डिस्काउंट में आपको मिल रही है तो आप इसको परचेस कर सकते हो। इनफैक्ट ऐसे 3-4 लेयर वाली जो ज्वेलरी है वो बहुत ही ज़्यादा इन है, आप उसको शर्ट के साथ, अपनी स्कर्ट पहनी, ऊपर शर्ट पहना उसके साथ में आप उसको लेयर अप कर सकते हो, आपकी कुर्ती साड़ी सबके साथ में जाने वाला है, इंडो वेस्टर्न लुक क्रिएट कर सकते हो आप इसके साथ में। और इनफैक्ट ये सारी जो ज्वेलरी अभी मैं आपको दिखा रही हूँ सारी ही अभी ट्रेंडिंग ज्वेलरी है, तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे सारी जो इसकी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे मेंशन है। एंड लेयर्स ब्राइडल नेकलेस सेट, इसमें लिखा हुआ है कि ब्राइडल नेकलेस सेट है ये, और जवेरी पर्ल्स एथनिक कुंदन एंड पर्ल्स मल्टी लेयर्स ब्राइडल नेकलेस सेट। ओके, तो अब हम इसको ओपन करके दिखाते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया और ले लिया खुद को। तो अभी कुछ इस तरीके के बबल रैप में होके आया था ये प्रोडक्ट, और जैसा कि मैंने बताया मैं ट्राई कर चुकी हूँ तो इसलिए ये ऐसे ओपन है। और ये कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से पैकेजिंग वाइज तो बहुत ही अच्छा आया था ये, और ट्रस्ट मी गाइज ये बहुत ही सुंदर नेकलेस है जो कि आपको पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा रिच लुक देने वाला है। इसमें इस तरीके से छोटी छोटी डिटेलिंग दी गई है कुछ इस तरीके का, यहाँ पे ये स्टोन्स लगे हुए हैं, जस्ट लाइक कुंदन बोल सकते हैं, क्योंकि कुंदन तो बहुत ही हाई रेंज में अगर आप जाओगे तो बहुत ही कॉस्टली पड़ेगा, तो ये ओरिजिनल वाला कुंदन तो नहीं है बट हाँ इसको मैं स्टोन बोल सकती हूँ, स्टोन लगे हुए हैं इसमें। और ये जो छोटी छोटी मोतियों की डिटेलिंग है वो भी बहुत सुंदर लग रही है गाइज। आपने इस तरीके की जो ज्वेलरी है, नेकलेस पीस है, वो देखे होंगे आजकल बहुत ही ज़्यादा इन है। अगेन इसमें डोरी दी हुई है, आप इसके अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग स्टाइल कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो इसकी लेंथ को, बहुत ही सुंदर है ये। अगेन ये 3-4 लेयर वाली है तो ये जो इसकी इयररिंग है वो लाइट वेट रखा गया है, छोटा रखा गया है ऐसे, बहुत सुंदर है। अगर मैं इसको यहाँ पे एज अ मांटिका भी वेयर करूँ तो बहुत ही सुंदर लगने वाला है। तो कुछ इस तरीके से आप जो अपनी ज्वेलरी है उसको अलग तरीके से भी एक्सरसाइज कर सकते हो। जो मेरी नेक्स्ट ज्वेलरी है गाइज वो है द ब्रांड ऑफ आराध्या। मैंने यानी कि 2 जवेरी पर्ल से और 2 मैंने आराध्या ब्रांड से ज्वेलरी परचेस किया है। पैकेजिंग वाइज बहुत ही अच्छा है,
अगेन मैंने ओपन करके सब ट्राई ऑन कर चुका है, मैंने कर चुकी हूँ सॉरी। ये भी लेयर वाली नेकलेस आजकल बहुत ही ज़्यादा इन है गाइज। अगेन ऑक्सीडाइज जो ज्वेलरी होती है वो कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होती है, तो मेक श्योर कि आपके पास में भी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी होनी चाहिए। बहुत ही सुंदर लगता है गाइज, बहुत ही सुंदर, मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये। अगेन इसमें मैंने जो कलर जो है वो मल्टी कलर वाला मैंने चॉइस किया है ताकि मुझे कोई भी बाउंडेशन नहीं रहे परचेज करने के टाइम पे, इनफैक्ट पहनने के टाइम पे मुझे कोई बाउंडेशन नहीं रहे, मैं इजीली उसको कैरी कर सकती हूँ ये। और इसकी जो इयररिंग है गाइज वो बहुत ही स्मॉल है, छोटी छोटी सी इयररिंग्स है इसके साथ में। इसमें भी डोरी लगी हुई है, आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। मेरा आज का अमेजॉन ज्वेलरी हॉल वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।